हेलो दोस्तों, मैं बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे दोस्तों नए सिलेबस और नए पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, और इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में ही कवर कर लिया है, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, और जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है लेखन यानी वक्रशीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला है और इसे किस चीज़ से बनाया गया था। वक्रशीर्ष नामक मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के उर नगर से मिला है और इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। दोस्तों किसे बनाया गया था? सफ़ेद संगमरमर को तराश कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ रूप में मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग किया करते थे। 3, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। उसके बाद दोस्तों अक्कदी भाषा ने सुमेरियन का स्थान ले लिया। उसके बाद अक्कदी का स्थान असीरियाई भाषा ने ले लिया। इस चैप्टर से सभी इम्पोर्टेंट MCQ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों आपके सामने। चलिए प्रश्न नंबर 4, दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहर कौन कौन से थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया के 3 महत्वपूर्ण शहर थे। पहला मंदिरों के चारों ओर विकसित शहर, दूसरे व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित शहर यानी व्यापार केंद्र अगर बात करें उर और मारी शहर, और तीसरा दोस्तों जिसे हम शाही शहर के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहर में जो 3 रूप से विभाजित थे 3 शहर हैं। प्रश्न नंबर 5, हौज क्या होता था यानी हौज क्या थे। हौज जमीन में ढका हुआ एक गड्ढा होता था, इसमें पानी तथा मल जाता था यानी मेसोपोटामिया के लोग अपने घरों के अंदर हौज का निर्माण किया करते थे। अधिकतर उर या आप कह सकते हैं मारी नगर के अंदर ये गड्ढे का निर्माण किया जाता था। मारी लोगों के 2 प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से थे। मारी लोगों के प्रमुख व्यवसाय थे दोस्तों वो थे खेती एवं पशुपालन, दूसरा व्यापार। प्रश्न नंबर 7, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है। ये किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। मेसोपोटामिया का आज आधुनिक नाम इराक है दोस्तों, और ये दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8, गिलमिस के महाकाव्य की रचना कब की गई थी। गिलमिस महाकाव्य की रचना लगभग 2700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की में की गई थी। ये काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। जी हाँ, कितनी पट्टिकाओं पर? 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। संसार को अगर मेसोपोटामिया देन की बात करें दोस्तों तो उसकी काल गणना तथा गणित की विविधतापूर्ण गणना ही की सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों मेसोपोटामिया में 2 का वर्गमूल जो मान दिया गया है वह 2 के वर्गमूल के वास्तविक मान से थोड़ा सा ही भिन्न है, और 24 घंटों यानी दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब कुछ हमें मेसोपोटामिया से मिला है। इसके साथ साथ 1 वर्ष का 12 महीनों में और 1 महीने के 4 हफ्तों में विभाजन भी हमें मेसोपोटामिया से देखने को मिला है। प्रश्न नंबर 10, मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य क्या करते थे दोस्तों। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे, और इस मिट्टी की पट्टिकाओं को थाप कर उसे एक पट्टी का रूप दे देते थे। उसकी सतह को चिकना बनाकर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसकी नम चिकनी सतह पर किलाकार चिन्ह बना देते थे। फिर उसे धूप में सुखाया जाता था। धूप में सुखाने के बाद उस मिट्टी के पट्टिकाओं पर दूसरा कुछ लिखा नहीं जा सकता था जिसके वो लेखन कार्य किया करते थे, उसका उपयोग किया करते थे। प्रश्न नंबर 11, मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताएँ बताइए। दोस्तों इम्पोर्टेंट काफ़ी प्रश्न ये है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषता अगर हम बात करें तो इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं। यह अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है।
उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान उपलब्ध हैं, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन उपलब्ध कराती हैं। खेती के अतिरिक्त स्टेपी घास के मैदानों में पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों की ढालों पर भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है, कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। अगर हम प्राचीन काल में धाराएं की बात करें दोस्तों, धाराएं सिंचाई के नहर पर काम देती थी और इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर की खेती भी की जाती थी। चलिए प्रश्न नंबर 12, मेसोपोटामिया के उन नगर की विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मेसोपोटामिया के उन नगर की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता अगर हम बात करें मेसोपोटामिया नगर की दोस्तों, तो है यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, यानी टेढ़ी मेढ़ी तथा संकरी गलियाँ। तो टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ की बात करें दोस्तों, इसमें यह पता चलता है कि यहाँ के अनेक घरों तक पहिए वाली गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधों पर लाद कर घरों तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों को एक जैसा आकार ना होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन पद्धति का अभाव था यहाँ बुरी तरह से। उर नगर में जल निकासी प्रणाली उतनी अच्छी नहीं थी। जल निकास की नलियाँ और मिट्टी की नलिकाएँ उर नगर के घरों के भीतर ही आंगन में पाई जा गईं, और इससे पता चलता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा के पानी निकास नालियों के द्वारा भीतरी आंगन में बने हुए होज में ले जाया जाता था। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया होगा कि तेज़ वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से ना भर जाएं। घरों की सफाई की अगर हम बात करें दोस्तों, घरों की सफाई, तो लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे और यहाँ आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। खिड़कियों का अभाव था, यानी यहाँ के घरों में खिड़कियों का पूरी तरह से अभाव था। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। जी हाँ, इसके अंधविश्वास क्या क्या था, यदि सामने दरवाज़ा किसी दूसरे घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य लाता है, और यदि घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। ये कुछ इसी के साथ साथ और विशेषता थी दोस्तों, शवों को दफनाना। छठा क्या था, शवों को दफनाना। उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जन साधारण की समाधियाँ पाई गई हैं, परंतु कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 13, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस तथा पोटोमेस से बना है। मेसोस का अर्थ है मध्य तथा पोटोमोस का अर्थ है नदी। यह सब नदियों के मध्य स्थित है और उपजाऊ प्रदेश को इंगित करता है। इसके अलावा क्यूनिफॉर्म क्या है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना यह शब्द क्यूनिफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। यहाँ लैटिन भाषा के दो शब्दों से क्यूनिफॉर्म बना है। क्यूनिफॉर्म तथा कहाँ से बना है, क्यूनिस तथा फॉर्मा से मिलकर बना है। क्यूनिस का मतलब खूटी तथा फॉर्मा का मतलब है आकार। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न है, मेसोपोटामिया में साक्षरता कम क्यों थी। तो मेसोपोटामिया की लिपि में चिन्हों का संख्या सैकड़ों में थी और कि इसके अतिरिक्त ये चिन्ह बहुत से जटिल थे, इसी कारण मेसोपोटामिया में साक्षरता दर कम थी। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का क्या महत्व है। तो श्रम विभाजन का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के उत्पादन अथवा सेवाओं द्वारा करना। शहरी जीवन में श्रम विभाजन का बहुत ही आवश्यक है, और इसका यह कारण है कि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार तथा तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ साथ नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, वे गांवों या नगर के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होते हैं। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। ठीक है, लेखन इसके अलावा प्रश्न है दोस्तों, मेसोपोटामिया के दो देवी देवताओं का नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया के दो देवी देवताओं का नाम अगर हम बताएँ तो चंद्र देवता उर तथा प्रेम एवं युद्ध की देवी इन्नान। लेखन कला का क्या महत्व होता है। प्रश्न नंबर, लेखन कला का महत्व दोस्तों क्या होता है, कि लेखन कला द्वारा हिसाब किताब को समुचित ढंग से रखा जा सकता है। मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेखन कला विकास अगर हम बात करें मेसोपोटामिया में दोस्तों, तो बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है।
मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी अपनी लिपि थी और उन्होंने तब लिखना आरंभ किया जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले कई लोग होते थे। सौदा भी कई प्रकार का माल होता था। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें तो पहले मेसोपोटामिया लेखन कला के दौरान जो पहली पट्टिकाएं मिली हुई हैं वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की। कब की दोस्तों? लगभग 3200 ईसा पूर्व की। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मेसोपोटामिया के विश्व की क्या अध्ययन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के जितने भी MCQs बनेंगे दोस्तों वो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और जिन लोगों द्वारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद और सहायता हासिल होती है तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद और शुभ रात्रि के साथ साथ जय हिंद।